हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता। मैं आपको सिक्स क्लास में मैथ्स के साथ साथ जीके भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी तक हमने अपना जीके का कोर्स स्टार्ट नहीं किया था, बट आज हम अपना जीके का कोर्स स्टार्ट करते हैं। पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि जीके का कोर्स कम है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एज़ कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो चलो जीके का कोर्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, आपके बुक सेट में एक जीके की बुक निकली होगी, जीके एरिना, ठीक है। अब आपको इसकी कॉपी अभी नहीं लगानी है, स्कूल ओपन होंगे तब मैं आपको इसकी कॉपी लगवाऊंगी। जितना भी वर्क मैं आपको करवा रही हूँ या फिर होमवर्क के लिए दूंगी, वो सारा वर्क आपको बुक में ही करना है। कोई भी स्टूडेंट इसकी कॉपी नहीं लगाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक सेट नहीं लिया है तो उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी ये करने में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी आप कुछ भी कॉपी मत करो, मेरी पीडीएफ और वीडियो से इन चैप्टर्स को समझ लो और यहीं से ही आप इन्हें लर्न कर लो। जब आपके स्कूल ओपन होंगे और आप जब बुक सेट ले लोगे तब आप ये काम बुक में फिल कर लेना। जिन स्टूडेंट्स ने बुक सेट ले लिया है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको बस क्या करना है, बुक में ये काम फिल करना है। कॉपी कोई भी स्टूडेंट नहीं लगाएगा, ठीक है। अब बुक में काम कैसे करना है, बुक में आप सबको पेंसिल से काम करना है, पेन से काम कोई भी नहीं करेगा। डेट डालनी है जिस दिन जो काम हो रहा है, ठीक है, और पेंसिल से आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब आई बात चेकिंग की, तो इसका मैंने कोई पर्टिकुलर डे नहीं रखा है चेकिंग के लिए अभी, कि कोई पर्टिकुलर डे रखा हो, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आपके पास मैथ्स की दो रजिस्टर्स हैं, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। ऐसी सब क्लासेस में मैथ्स के दो दो रजिस्टर हैं, तो मंडे टू सैटरडे में मेरे पास हर डे में टू टू क्लासेस की मतलब चेकिंग है। तो अभी मैंने इसका कोई पर्टिकुलर डे सेट नहीं किया है, बट हाँ ये है, जब भी मुझे जीके की चेकिंग लेनी होगी या फिर करनी होगी तो मैं आपको दो या तीन दिन पहले इन्फॉर्म कर दूँगी आपके ग्रुप में कि उस डेट पर जीके की चेकिंग है, और ये भी बता दूँगी कि कितने चैप्टर्स की चेकिंग है, तो ताकि आप लोग उन दो तीन दिन में अपना जीके का काम कंप्लीट करके, और जब आपका टाइम होगा जिस जो डेट मैंने आपको दी होगी आप उस डेट पे उसको चेक करा सकें, ठीक है। तो मैं आपको फिक्स नहीं बता रही हूँ कि मैं जीके की चेकिंग मंडे करूँगी, ट्यूसडे करूँगी, वेडनेसडे करूँगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपके मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ ही ये चेक होगा। मतलब टीचर ज़रूर सेम है मैथ्स और जीके की, बट चेकिंग डे सेम नहीं है। तो ये मत सोचिएगा आप कि जिस दिन मैथ्स की होमवर्क या क्लास वर्क कॉपी चेक होती है उस दिन जीके का काम भेज देंगे मैम को तो मैम जीके का भी चेक कर देंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स और जीके दोनों ही शायद बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको एक साथ चेक नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप अभी बुक में फिल करते रहो जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक है, ठीक है। जब भी मुझे लगेगा कि अब आपकी बुक चेक करनी चाहिए मुझे जीके की, मैं आपको टू या थ्री डेज पहले इन्फॉर्म कर दूँगी, और जब जोन सी डेट आपको दूंगी उस डेट पे और जो टाइम आपको बताऊंगी उस टाइम पे आप मुझे अपना वर्क भेज देना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है ना। तो कोई भी स्टूडेंट ये मैसेज नहीं करेगा ग्रुप में कि मैम आप चेकिंग डेट बता दीजिए जीके की प्लीज़। मैं आपसे बोलती हूँ प्लीज़ मेरे से अभी मत पूछिएगा जीके की चेकिंग डेट, क्योंकि अभी मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग में जो टाइम टेबल मेरा बना हुआ है उस शेड्यूल में मैंने अभी जीके का वर्क नहीं डाला है चेकिंग के लिए, बट मैं बहुत जल्दी उसको मैनेज कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कि कब है आपकी चेक इन जीके की। जब तक नहीं बताती हूँ जब तक मैं आपको ग्रुप में बताती रहूँगी कि किस डेट पे मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो चलो अपनी जीके स्टार्ट करते हैं। आज आपको जैसे ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्लास सिक्स लिखा है जीके एरिना, ये बुक सेट में आप सबको बुक मिली होगी, ठीक है। चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो मैंने चैप्टर पे यहाँ डेट डाली है और पेंसिल से ही फिल किया है, आपको भी सेम ऐसे ही करना है, डेट डालनी है और पेंसिल से फिल करना है। कॉपी में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा और ना ही कोई ये स्टूडेंट पूछेगा मुझसे मैम हमने बुक सेट नहीं लिया है तो हम ये काम कॉपी में कर सकते हैं, नहीं। मुझको लगता है शायद ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा अगर आप सेम चीज़ जो आपको बुक में दी हुई है उसको आप कॉपी में लिखोगे, तो आप खुद ही देख रहे हो कि 3 to 4 लाइन्स के तो आपके क्वेश्चंस ही हैं इसके, तो मैं इतना नहीं करवाना चाहती जीके में। देखो सीधी सी बात है, मेरे पास मेन सब्जेक्ट है मैथ्स एक, ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस दो अगर आपको मेरे सब्जेक्ट पे फोकस करना ही है तो। जीके फिल करोगे जब आप बुक सेट ले लोगे तब आप फिल कर लेना, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी तब कि आपको 2 या 3 days या 4 days दिए हैं कि आप अपनी जीके की बुक फिल कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है अमेजिंग एनिमल्स,
लिखा है द अर्थ इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स, हेयर आर सम ऑफ देम, राइट द नेम ऑफ द एनिमल इन फ्रंट ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन. कह रहे हैं कुछ हमारी अर्थ पे कुछ ऐसे अमेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. उनमें से कुछ हमको दे रखे हैं, लेकिन उनकी भी हमको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रखी है, मतलब उनके बारे में बता रखा है, और हमें उनके नाम लिखने हैं. पिक्चर भी दे रखी है हमें उनकी वैसे, ठीक है. फर्स्ट है, इट इज़ अ स्मॉल एनिमल दैट लुक्स लाइक अ माउस. इट इज़ मेनली फाउंड इन आर्टिक रीजन. इट कलर्स इट चेंजेस इट कलर्स ड्यूरिंग विंटर. इट इज़ कम्प्लीटली वाइट वाइल इन समर इट इज़ ब्राउन. मतलब ये एक बहुत छोटा सा एनिमल है जो बिल्कुल माउस की तरह लगता है. आप पिक्चर देखो, माउस की तरह ही लग रहा है ये वैसे, ठीक है. कहाँ पाया जाता है? आर्टिक रीजन में. ये अपना कलर चेंज करता रहता है, जैसे विंटर में कुछ कलर है इसका, समर में कुछ और है. विंटर में वाइट हो गया, समर में ब्राउन हो गया, तो ये अपना कलर चेंज करता रहता है. उस एनिमल को क्या बोलते हैं? उस एनिमल का नाम क्या? लेमिंग एनिमल, ठीक है, LEMMING. सेकेंड है, इट इज़ अ स्नेक. इट इज़ मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड. इट कैन मेजर अप टू 11 मीटर और 36 फीट इन लेंथ. मतलब ये एक तरीके का स्नेक है. कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है. वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब एक बड़ा स्नेक्स में से इसे माना जाता है. लार्जेस्ट स्नेक है ये, ठीक है. इट कैन मेजर अप टू 11 मीटर और 36 फीट इन लेंथ. अगर आप इसे मेजर करो तो 36 फीट, अगर फीट में मेजर करोगे तो, और मीटर में करोगे तो 11 मीटर है. क्या नाम है उसका? एनोकोंडा, ANACONDA, ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज़ अ सी एनिमल. इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इट टू स्विम वेरी फास्ट. इट इज़ एन एनिमल विद 8 आर्म्स. इट इज़ एबल टू चेंज इट्स कलर. कह रहा है ये एक सी एनिमल है. आप पिक्चर देखो, ये रही. मतलब ये एक ऐसा एनिमल है जो पानी में बहुत जल्दी से स्विम कर लेता है, मतलब फटाफट से भाग लेता है पानी के अंदर. और इसकी कितनी आर्म्स होती हैं? 8 आर्म्स होती हैं, ठीक है. और ये अपने कलर को भी चेंज कर सकता है. उसका क्या नाम है? स्क्विड, SQUID, ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज़ अ बर्ड विच इज़ फाउंड ओनली इन आर्टिक. इट कैन ऑल्सो चेंज इट कलर. ड्यूरिंग विंटर इट इज़ कम्प्लीटली वाइट वाइल इन समर इट इज़ ब्राउनिश इन कलर विथ डार्क स्पाइन एंड स्पोट्स. कह रहा है ये एक तरीके की बर्ड है. ये री बर्ड कहाँ पाई जाती है? आर्टिक में, ठीक है. ये भी अपना कलर चेंज कर सकती है, जैसे ये माउस चेंज कर सकता था और आर्टिक रीजन में ही पाया जाता था, ऐसी ये भी है, ठीक है. तो ये, लेकिन वो एनिमल था, ये बर्ड है, ठीक है. ब्राउनिश हो जाता है इसका समर में, अब विंटर में इसका वाइट रहता है, ठीक है. तो वो आपको बर्ड का नाम आपको बता, बर्ड है स्नोई आउल, ठीक है. नेक्स्ट है, दिस एनिमल इज रिलेटेड टू द ऑक्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमेरिकन बफेलो. ये रहा, देखो आप, मैं जूम कर देती हूँ. देखो वैसे भी ये बफेलो की तरह ही लग रहा है. इट्स हाइट मे बी अप टू 2 मीटर और 6 फीट. इट वेट मोर देन अ टन. कह रहा है ये एक एनिमल है जो ऑक्स से, मतलब ऑक्स की तरह है, रिलेटेड टू ऑक्स है. अमेरिकन बफेलो इसका दूसरा नाम है, हम इसको वो भी कह सकते हैं, ठीक है. हाइट अगर हम देखें, मीटर और फिट में दोनों में दे रखी है, 2 मीटर अप टू 2 मीटर और 6 फीट. और इसका वेट मोर देन अ टन, टन से भी, एक टन से भी ज़्यादा है. तो उसका नाम क्या है? अमेरिकन बिसोन. ये अमेरिकन बिसोन, अमेरिकन बफेलो कॉमन सा है ना, ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइल्ड कैट. इट हैज़ कर्व्ड ईयर्स एंड लॉन्ग लिम्ब्स. इट टेल इज शॉर्ट. इट इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. कह रहा है ये एक तरीके से ना वाइल्ड कैट है, एक तरीके की, मतलब जंगली बिल्ली है, ठीक है. इसके जो अंग हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उसकी पूंछ जो है ना वो बहुत छोटी सी है. कहाँ पाई जाती है? ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है, ठीक है. तो इसका नाम क्या है? लिंगवी, LYNX, ठीक है. मैंने यहाँ हेल्प बॉक्स वाली भी आपको पिक भेज दी है इसमें ही. अगर आपको मेरी लिखी हुई स्पेलिंग्स क्लियर नहीं हो रही, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है इन्हें क्लियर लिखने की, बट अगर नहीं हो रही है तो आप इस हेल्प बॉक्स से स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हो, ठीक है. तो ये था आपका चैप्टर 1 जो आपको कुछ एनिमल्स के बारे में बता रहा था. अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे. चैप्टर 2 का नाम है दे आर यूनिक. कह रहा है हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स दैट वी डू नॉट सी नॉर्मली अराउंड अस और इवन इन जू. कह रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्चर है जो हम आसपास में नहीं देखते, और यहाँ तक कि हम उन्हें जू में भी नहीं देखते हैं. तो वो कौन से एनिमल है? तो आपको सिर्फ पिक्चर दे रखी है और ये नाम आपको लिखने हैं. हेल्प बॉक्स में लिखे हुए हैं नाम, तो मैंने फिल कर दिए हैं यहाँ पर. जैसे ये तो सिर्फ एनिमल्स के नाम नाम लिखे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इनके बारे में.
ठीक है, मस्क डियर हो गया, बिसोन, वल्चर, ये सारे एनिमल्स के नाम है। ये वो एनिमल्स हैं जो यूनिक है, मतलब हर जगह नहीं पाए जाते हैं और हमको भी बहुत रेयर होते हैं, जो देखने को मिलते हैं, हमारे आसपास नहीं होते, जू में नहीं होते। हम ज़्यादातर एनिमल अपने आसपास या फिर जू में ही देख सकते हैं अभी, तो ये वहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वो कुछ एनिमल्स हैं जो यूनिक एनिमल्स हैं। ठीक है, सील, आर्टिक सील, गिबॉन, ये सारे वो एनिमल्स हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 है वाइल्ड बर्ड्स क्विज, डेट डाली है मैंने आज की। ठीक है, अब है मोस्ट इंसेक्ट्स कैन बी एसोसिएटेड विद द बुज साउंड। आई एम फाउंड ऑफ कलेक्टिंग इंसेक्ट्स हेयर, हाउ मैनी कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम माई कलेक्शन। देखो, इस कुछ इंसेक्ट्स की आपको पिक्चर्स दे रखी है और आपको इनके नाम बताने हैं, लेकिन लेकिन इनके डिस्क्रिप्शन भी आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, जैसे चलो रीड करते हैं। इट इज़ अ प्लांट ईटर एंड कैन जम्प ओवर 1 मीटर एट वन गो। कह रहा है ये एक प्लांट ईटर है और मतलब 1 मीटर जंप करता है एक बार में। कौन है? ग्रास हॉपर। नाम यहाँ से देखना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ से देखना है। ठीक है, इट बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लाइंग इंसेक्ट फ्रॉम अ लीव ईटिंग फैट कैटरपिलर। कह रहे हैं बहुत सुंदर सी फ्लाइंग इंसेक्ट है ये, तो पिकॉक बटरफ्लाई। ठीक है, इट सिट ऑन अ लीव एंड नो वन कैन मेक आउट दैट इट इज़ नॉट अ लीव। कह रहा है वो लीव पे बैठती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लीव पे बैठी है, लीव ही लगती होगी या तो वो, मतलब कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता उस चीज़ को कि कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, तो वो कौन है? लीव इंसेक्ट। इट लुक लाइक अ बी बट मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। लगती तो बी की तरह है बट अलग वेस्ट। ठीक है, ऐसी ये सारे डिस्क्रिप्शंस आपको दे रखी हैं और यहाँ पर इनके नाम लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको बुक में ही फिल करने हैं पेंसिल से। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ अ वर्कर हु टर्न नेक्टर इनटू स्वीट लिक्विड कॉल हनी। ये तो सब आपको इजीली पता होगा, हनी बी जो होती है मतलब वो ही करती है। ठीक है ना, दिस ब्यूटीफुल दिस बटरफ्लाई लाइक इंसेक्ट कम आउट एट नाइट। कौन है ये? ये है वाइट माइंड मून। मतलब क्या है ये बटरफ्लाई लाइक इंसेक्ट है। ठीक है, बटरफ्लाई जैसी है, इंसेक्ट जो है ये बटरफ्लाई जैसी है और ये रात को ही बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स फीमेल डिप हर एब्डोमन इन वाटर एंड द एग्स सिंक। मतलब जो इसका आंसर क्या है? ड्रैगन फ्लाई। मतलब ये क्या करती है, इसकी जो फीमेल है ये मतलब अपने एब्डोमन को पानी में डालती है और उसके बाद जो उसका एग होता है ना वो मतलब डूबने लगता है पानी में। ठीक है, इट नेक्स्ट है इट इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कॉमन हाउस इंसेक्ट। बहुत कॉमन हाउस इंसेक्ट है ये, डायनोबिनिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप विच इज़ कॉल्ड बैटलिंग एंड अर्नड द नेम ड्यू टू इट्स हॉर्न। स्टेक बीटल, बीटले, स्टेक बीटले। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये एक ऐसे टाइप की है, मतलब ये अपने हॉर्न के नाम से इसका नाम पड़ा, शायद इसकी वॉइस बहुत तेज हो। ठीक है ना, हॉर्न्स जो होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, ये आपको होमवर्क में करना है। चैप्टर नंबर 5 भी और चैप्टर नंबर 6 भी, तीन चैप्टर आपको होमवर्क में करने हैं। मैंने आपको होमवर्क लिख के दिया है, कंप्लीट क्लास वर्क, आज वाला काम करना है जो हमने किया है, एंड डू चैप्टर नंबर 4, 5, 6 इन बुक। सब जने पेंसिल से ही करेंगे इसको, पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमने आज कितने 3 चैप्टर्स किए हैं और 3 चैप्टर्स होमवर्क के लिए लिए हैं। ठीक है, ये हमने सारे समझ लिए ना, इट इज़ अ 8th वाला भी समझ लिया हमने, 9th वाला। ठीक है, ठीक है, बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, आप ये सोच लूँगे कि जीके की क्लास कब कब होगी। जीके की क्लास मैं आपकी 7 to 8 डेज में एक बार लूँगी, मतलब वीक मान लो आप, वीक में एक बार लूँगी मैं आपकी ये क्लास। ठीक है, तो अभी आज मंडे है तो आज मैंने आपकी क्लास ले ली है, अब मैं नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से कभी भी ले लूँगी। मतलब जिस दिन आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी उस दिन मैं जीके की क्लास ना लूँ, ताकि आप वो पूरा दिन मैथ्स को अच्छे से कर सकूँ। दो दो सब्जेक्ट्स नहीं दूँगी मैं आपको अपने कि एक ही दिन में कर लूँ, इसलिए मंडे या वेडनेसडे में मैं नेक्स्ट में लूँगी।
7 to 8 days में लूँगी, ठीक है ना। बाकी का काम हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जीके की बुक में आपको फिल करना ही है पेंसिल से, कॉपी नहीं बनानी है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।